हम तो गार्डन से पूछ रहे हैं, हमको गार्डन से मतलब लास्ट टाइम हमने बोला था गार्डन में पेड़ पेड़ लगवाने का लग गया क्या माय लॉर्ड? अभी सैपलिंग्स लग रहे हैं, है ना? लगे क्या? लगे माय लॉर्ड। कितने पेड़ लगे ये बताओ, चलो फोटो दिखाओ। सर फेंसिंग लगा के जो ओपन लैंड है जहाँ पार्किंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसको भी एक्वायर कर ले रहा है। तो कहाँ खेलेंगे बच्चे, गार्डन में नहीं खेलेंगे क्या? गार्डन में खेलना है। देखिए मैंने फोटोग्राफ लगा हुआ है, जो कलकत्ता में जो हुआ है इंसिडेंट, उस लड़की का फोटो लगा के जितने भिलाई दुर्ग के बंगाली हैं उनको बुलाकर वहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काउंसिल घास लगा की नहीं पौधों में, पेड़ों में, बस वहाँ पे गार्डन। जहाँ हमको घास दिखा दो हम आपकी हर बात मान लेंगे। अरे आप सिंह साहब ये बता दो, आपकी गाय अगर घास खा लेगी तो हम उसको फेंसिंग नहीं, फिर आपको किला बनाने की परमिशन दे देंगे। यस, क्या वो ये तालाब वो ये क्या गार्डन वाला? 23 तारीख को इस माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि जो जमीन को आपने इंक्रोच किया हुआ है उस पे गार्डन लगाई, प्लांटेशन करिए। अब जो 25,000 स्क्वायर फीट ओपन लैंड है उसमें फेंसिंग चालू कर, अब उसमें हमको नहीं, हमको हमारे पास जो ऑर्डर था उसको करना है, जो इंक्रोच किए उसमें बनाना है। नहीं, गार्डन क्या, हम तो गार्डन से पूछ रहे हैं, हमको गार्डन से मतलब। मिस्टर सिंह, वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी आर कंसर्न विद द गार्डन। गार्डन गार्डन इन दैट एरिया व्हिच हैज बीन इंक्रोच्ड, नॉट इन दैट ओपन एरिया। अब देखो तिवारी जी, गार्डन का हमारी फोटो जब दिखे थे, गार्डन कहाँ बना था बताओ? हाँ ये मैंने फाइल किया। नहीं नहीं, गार्डन पहले गार्डन बताओ, इन्हीं से पहले पूछेंगे। हाँ ठीक, बताइए सिंह साहब, बताइए गार्डन कहाँ बना दिया आपने? हमने बोला था गार्डन में पेड़ पेड़ लगवाने का लग गया क्या? पेड़ लग गया था लास्ट टाइम में, इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि हम बॉन्ड। इनके एलिगेशन की बातें मत करो ना भाई, मेरा एक बार सबमिशन सुन ले। मिस्टर काउंसिल, मिस्टर काउंसिल, व्हेन द कोर्ट इज, पौधे हमने 90 लगाए माय लॉर्ड, 90 पिछली बेसी में लगाए थे। यस माय लॉर्ड। उसके बाद हमने क्या ऑर्डर किया? 250 का ऑर्डर किया था माय लॉर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ? नौ के बाद हमने 200 प्लांट्स सैपलिंग्स लिए, और जब हम लगाने लग गए उससे पहले फेंसिंग जरूरी है माय लॉर्ड, क्योंकि काय की फेंसिंग बना रहे हो? पोल लगा के जो बारबेड वायर से, बारबेड वायर के। अच्छा बारबेड वायर क्यों बना रहे हो? ताकि बच्चे खेलने आएंगे तो फिर गड़ेगा उनको। वो तो नहीं, तो माय लॉर्ड बारबेड के जरूरी है क्या काय से? और ऐसा कोई वो नहीं लगा सकते क्या आप, जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे की जो फेंसिंग में रखती है हेज वगैरह, हेज क्यों नहीं लगा सकते? एक बार तो फेंसिंग लगेगी। ना 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 ना, कोई हु सेड यू, ना ना नहीं लगेगी फेंसिंग का गया ही कल्चर, फेंसिंग का कल्चर तो खेतों में रहता है भाई। लेकिन माय लॉर्ड अभी सैपलिंग्स लग रहे हैं, है ना? लगे क्या? लगे माय लॉर्ड। कितने पेड़ लगे ये बताओ, चलो फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। लास्ट टाइम भी मैंने लगाया था। नहीं, वो उसके बाद मिस्टर काउंसिल, मिस्टर काउंसिल, पाथवे बन गए आपके माय लॉर्ड, वही पाथवे बने क्या? मेरा सबमिशन है विदाउट फेंसिंग वर्क भाई, ये तो कंटेम को लगाने लग से कुछ नहीं हो गया। और इनका मैं आज भी एक फाइल किया कवरिंग में, इनका कहना कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फेंसिंग करना, जबकि लास्ट डेट पे माय लॉर्ड आपका क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि अगर गार्डन बनेगा तो फेंसिंग भी होगी और गेट भी लगेगा। और इनका कहना है कि नहीं, कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया है कि फेंसिंग उसमें करनी है। अच्छा फेंसिंग से आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये सर 14,000 स्क्वायर फीट को तो इन्होंने पहले कब्जा कर लिया, देखिए मैंने नक्शा लगा बना लगाया। तिवारी जी सर फेंसिंग लगा के जो ओपन लैंड है जहाँ पार्किंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उसको भी एक्वायर कर ले रहा है। तो कहाँ खेलेंगे बच्चे, गार्डन में नहीं खेलेंगे क्या? गार्डन में खेलना है उनको, तो ओपन है अभी वो। अब कोर्ट ने बोला है कि आप जो इंक्रोच करके रखे उस पे बनाइए, तो उसको अपना फेंसिंग करके सेव कर लिए। जो 14,000 स्क्वायर फीट है वहां पे बाउंड्री वॉल बनी है उसमें नहीं कर रहे हैं, कोई प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। और जो ये मैंने बना के लगाया हुआ है, और उसके बाद फिर ये क्या किया, जो ओपन लैंड पड़ी हुई है उसको बख्शा रहे हैं? आज तो नहीं आए, लास्ट टाइम भी नहीं आए थे, लास्ट टाइम भी नहीं आए थे, नेक्स्ट टाइम बुला लूं। बुला लीजिए फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और मैंने पूरे पिक्चर्स लगाए हैं, पिक्चर बाद में, जब पिक्चर इंटरवल के बाद देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड, वहां पे है ना दूसरे लेन के जो लोग है ना वो अपनी कार पार्क कर दे रहे हैं इनके इंस्टिगेशन पे, कि ये काम ही नहीं। तिवारी जी आपको क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे भंग करने में? हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए माय लॉर्ड, विद डू रिस्पेक्ट माय लॉर्ड, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कर दे, ये कमर्शियल एक्टिविटीज चालू रखे हैं और न्यूसेंस कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, मैंने फोटोग्राफ लगा हुआ है, जो कलकत्ता में जो हुआ है इंसिडेंट, उस लड़की का फोटो लगा के जितने भिलाई दुर्ग के बंगाली हैं उनको बुलाकर वहां पे टीएमसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए फोटो लगा हुआ है।
किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं। और ये देखिए फोटो, ये वहां पे इस प्रकार से ये जो है अभी कमर्शियल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट आ गए, वो फोटोग्राफ बना रहे हैं, इस प्रकार से स्लोगन्स लिख रहे हैं, दे आर डूइंग सो मच सच वे, दे आर क्रिएटिव इन दिस सेंस, दैट्स व्हाई माय हंबल प्रेयर एनी दैट रेवेन्यू ऑफिसर में काइंडली इफ माय लॉर्ड, कि वो जाए देख ले और एक रिपोर्ट दे दे कि हम कितने सही हैं या क्या कर रहे हैं। वो हम ही तय करें, किसी की रिपोर्ट नहीं लेंगे हम। मिस्टर सिंह, व्हाट वाज द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट, रीड द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट ऑन 9/7/2024। टीवी साठ का हमारे गार्डन को, हमारे गार्डन कहाँ तक बना, गार्डन कहाँ तक बना, बस घास वास लगवा दिए क्या, घास लगा क्या, पायलट विदाउट फेंसिंग नहीं होती, जरूरत नहीं है, घास नहीं खाती गाय, अरे गाय दिखती नहीं आजकल, मिस्टर काउंसिल घास लगा कि नहीं पौधों में पेड़ों में, बस वहां पे गार्डन, जहां को घास दिखा दो हम आपकी हर बात मान लेंगे, आपकी नियत मान लेंगे। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, यू वांट टू ड्रैग द इश्यूज, आई नो इट, आई न्यू इट, मिस्टर मिस्टर सिंह, आई टेल यू, आई टेल यू, इट्स नॉट माय इंटेंशन एंड नॉट व्हाई द ग्रास हैज नॉट बीन इंप्लीटेड, क्या आपने ग्रास क्यों लगाया वहां पे, जैसे ही हम काम शुरू करते हैं सर। अच्छा घास खरीदे क्या आपने, होता चलो घास खरीदे, आज देखते हैं आज घास बताइए आप, हमने प्लांट्स लिए प्लांट, हम घास की बात करते हैं, आप इम्प्लांट की करते हैं, हम घास की बात कर रहे हैं, हमने ऑर्डर में क्या लिखा था जरा बताइए, और कौन सी घास को गाय खाती है, ये जो आर्टिफिशियल जो है ना, अभी जो नई घास है आजकल आने लगी है तो गाय नहीं खाती, खाती कार्पेट घास, अरे हमको मालूम है भाई, अरे आप सिंह साहब ये बता दो, आपकी गाय अगर घास खा लेगी तो हम उसको फेंसिंग नहीं, फिर आपको किला बनाने की परमिशन दे देंगे। एक डायरेक्शन इनको दे दें कि हमारे काम में है ना ऑब्जेक्शन नहीं करे, विद इन 15 डेज माय लॉर्ड, चलो ठीक है, आप 15 दिन शांत रहना, आप एकदम शांत रहना, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर पूरे घास लग जाएगा। अच्छा घास कौन सा, घास कैसे लगाओगे, कॉर्पोरेट घास लगाओगे, कैसे घास लगाओगे ये बताओ, अभी हमने भी बनवाया है यहाँ पे सरकारी घर में तो हमको थोड़ा आइडिया आ गया, कितने घास लगवाया आपने, कौन से घास लगाओगे, नहीं हम बताते हैं ना आपको, देखते हैं उसमें लिखाता हूँ मैं ऑर्डर में, कारपेट घास लगा रहे हो कि देसी घास लगा रहे हो, पैसा कारपेट घास का लगेगा तो कारपेट घास ही का लगेगी, वो क्यूबिक रूप में आती है और राजा मुंद्रा से आती है, हैदराबाद के रास्ते में, आंध्र के शहर में ऐसी थोड़ी ना कि हम लोग कुछ एकदम डायरेक्ट हवाई जहाज से पहुंच के हाईकोर्ट जज बन गए, अभी नौ हाईवा काली मिट्टी तिवारी जी एकदम शांत रहना, संन्यास ले लेना 15 दिन, राइट, आप यार कोर्ट में भी हल्ले कर दे रही, और आप भी हल्ला नहीं करोगे, श्योर नहीं, आपके पक्षकार के अलावा आप भी नहीं, ठीक है, 15 दिन में गार्डन में पूरा घास वास लग जाएगा, पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा, श्योर, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ, अंडरटेकिंग लिखो भाई, नहीं तो कंटेम्प का चार्ज में बन जाएगा फिर, ठीक है, छोटा सा निवेदन कर लो सर, हाँ बोलो बोलो, ये जो जमीन जो है पूरा इंक्रोच नहीं करेंगे सर, ये क्या कर रहे हैं, पूरा इंक्रोच कर ले फेंसिंग करके, तो सर उस वो अभी रुको वो भी तोड़वा देंगे, और अरे अभी हमारे पास ज्यूडिशन रहेगा, पहले हमारा जो टारगेट है कि पहले घास तो बन जाए, एक बार घास लग जाएगा तो कोई भी वहां पे इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, हमारा मैंने आज पिक्चर शो करी, पिक्चर विक्चर नहीं दिखाना हमको,
पिटिशनर नंबर टू है ना सर, आधी जमीन पे तो वो कब्जा करके रखा वो भी हो। हाँ तो आप भी एक स्टोन लगा दो, काउंटर कंटेनमेंट लगा दो, लगा दो बढ़िया से, वो भी लगा देना पहले, लेकिन मेरे को घास वहां पे घास लग जाना चाहिए। देखो भाई दी काउंसिल फॉर दी इंस्ट्रक्शन रिस्पोंडेंट वुड ऑन इंस्ट्रक्शन कमेंट दैट दे मे गिवन बी 15 डेज टाइम टू कंप्लाई दी अर्लियर ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट ऑन 23/8/2024 एंड वुड सबमिट दैट विद इन 15 डेज ही विल सी दैट दी ग्रास एज डायरेक्टेड बाय दिस कोर्ट विल बी सो कर दें कि अभी वर्ड है लगा देंगे will be implanted within 15 days from today and further work with relates to gardening of the space will be initiated. He would further submit that the petitioner may also not allow to disturb the construction of the road construction of the garden so that they may allow to they may comply the order passed by the court without any hindrance. This concerning the submission, it is directed that the petitioner shall also not disturb the functioning of the establishment for 15 days and if still the grievances is survived, they will then he will file affidavit before this court. छोटा सा कि दे विल नॉट इंक्रोच द एक्सेस लैंड। अरे चुप अभी रुको, सब भी अभी हम नहीं जानते, अभी तो हमको गार्डन बना दो एक बार 15 दिन में। आप आज की तारीख से 15 दिन गिनो तो कितने दिनों का, आज हो गई 9/9/15/24 1 अक्टूबर को मैं तारीख दे रहा हूँ आपको फ्रेश मैटर में, 1 अक्टूबर को फ्रेश मैटर में पार्ट हड़।